राजा हुकुम, रोके के लिए कल का मुहूर्त बहुत शुभ है। बहुत अच्छे। लेकिन राजगुरु, 24 घंटे में इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए अथर्व, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप बस हमारी बहू को विदा करने के लिए अपना मन बना लीजिए बस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। रानी साहब, वो उधर एक दासी जा रही है ना, उसे दे दीजिए। लिसन, इधर आओ तुम। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये दासी नहीं, ये हमारे सेनापति की बेटी है। I'm so sorry, I forgot. सितारा, यहाँ आइए। जी। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में महारानी की? विराज और नेत्रा का रिश्ता तय हो गया है, कल उनका रोका है। अरे वाह, शादी मुबारक हो। थैंक्स। सितारा, हम चाहते हैं कि कल से आप हमेशा नेत्रा के साथ रहो। रोके के लिए उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या तैयारियां करनी है, सब पर आपका ध्यान रहेगा। साये की तरह आप उनके साथ रहेंगे। ओके। That's good. Okay, तो अब जब सब कुछ फाइनल हो ही चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी होने वाली भाभी। थैंक यू। एंड अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे लोग सारी प्रिपरेशन हैंडल कर लेंगे, यू जस्ट डोंट वरी। महाराज, I am so happy. यकीन ही नहीं हो रहा, हमारी बेटी की शादी हो रही है। I mean, ऐसा नहीं लगता। ये जैसे कल ही तो था जब हमने उसे जर्मनी भेजा था पढ़ने के लिए। And just see, वक्त को तो जैसे पंख लग गए। Our son's getting married. अच्छा, हम सोचे कल हम ये साड़ी पहने, कैसी है? रात भर फोन में आंखें जमा कर बैठेंगे और फिर कहेंगे, रानी जरा देखे, आंखें कुछ जल रही। हमारी रियासत की महारानी के चेहरे पर शिकन के भाव, बात क्या है बताइए। अरे, मिल गई फुर्सत। अरे, आपके लिए तो हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। हुकुम कीजिए, बताइए क्या करें आपके लिए। बस रहने दीजिए, आपसे बात ही नहीं करनी हमें। हम आपसे हमारे मन की बात कर रहे हैं और आप हैं कि बस फोन में लगे पड़े। हम कह रहे हैं महाराज, आपका अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। गलत बात, हमारा पूरा समय आप पर ध्यान देने में ही बीत जाता है। बस बात तो यह है कि इसी बात पर आपका ध्यान नहीं है, बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। बस बस, आप भी ना, आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। चलिए, अब बहुत हो गई बातें, सो जाइए, कल बहुत काम है। सो गुड नाइट। अरे, यहाँ बैठिए आप, एक बात कहें। आपके साथ बिताया हुआ हर दिन बहुत खूबसूरत होता है। I mean to say, every day is a good day, and obviously, every night is a good night. बस कीजिए, हम पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि आप हम पर बहुत ध्यान देते हैं और खास करके हमारी बातों पर।
अरे कहाँ जा? अरे हम देखते हैं राजा को। सेवक ने बताया कि आपने हमें बुलाया है। हम अभी आते हैं जी। राजगुरु, कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और आप हमें पहले ही बता चुके हैं कि कल ग्रहण है, इसलिए हम किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप और कुलदीप, आप दोनों कल दक्षिण द्वार को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित रहिए। आप चिंता ना करें राजा हुकुम, हम पहले से ही योजना बना कर आए हैं। कल कुलदीप राजमहल में रहकर आपके साथ राजमहल की सुरक्षा करेंगे और हम सुरक्षा शांति हवन करेंगे ताकि विश्वलोक की कोई भी बुरी शक्ति हमारी खुशियों पर नजर न लगा सके। बहुत अच्छा है, अब आप दोनों जा सकते हैं। ठीक से काम करो किशन जी। ये लाइट्स क्यों ऑन नहीं किया अभी तक? जल्दी ऑन करवाओ। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो ये फूलों के साथ? फूली से दो, फूली से दो। अरे मिठाइयाँ आ गई है, जल्दी से पैक करवाओ, जाओ। इतना सुंदर राजमहल, बस एक बार जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, फिर ये राजमहल मेरा मेरा होगा। सुरक्षा शांति हवन की सारी तैयारियां हो गई? जी राजगुरु। आज सूर्य ग्रहण की वजह से विषकन्याओं की शक्तियां चरम पर होंगी और वो महल में हो रहे उत्सव को रोकने का प्रयास करेंगी, इसलिए हम यहां सुरक्षा शांति हवन करके उनके प्रयासों को रोकने की कोशिश करेंगे और आप महल में जाके वहां की सुरक्षा देखिए। जी आज हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, इस विष का प्रकोप महल की चार दीवारी के अंदर ना आ पाए। दीदी ये कैसा नया कवच है? हाँ दीदी, अब हम क्या करेंगे?
कोशिशों में अगर शिद्दत हो तो किस्मत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कवच क्या चीज है? हमें अपने इरादों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। उत्सव की आवाज भी आ रही है, लगता है कुछ शुभ दिन है आज राजमहल में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर राजमहल के शुभ दिन को और शुभ करने के लिए हमें कुछ खास तो करना ही पड़ेगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान् कृत्योर्मुक्षीमाम्यताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान् कृत्योर्मुक्षीमाम्यताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनं कृत्योर्मुक्षीमाम्यताम्। हमें ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाचिकं सर्वपापयमुक्तं आकारं चन्द्रतारादिकं वन्दमः सात्विकं श्रीवनं आर्तिकं भवनं यस्यां वाचिकं सर्वपापयमुक्तं। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार ही हमारे इस दर्द को कम करेगा और हमारी हर इच्छा को पूरी करेगा। कन्याएं भी हमारे हवन को कम करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं।